सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोग्राफी आइडियाज के बारे में, और फोटोग्राफी आइडियाज के साथ साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कैमरा की टिप्स। सो कैमरा की टिप्स कुछ इस टाइप की होगी जिससे आपको फोटोज क्लिक करने में इजी होगा और आपके फोटोज ब्लर न होते हुए बिल्कुल परफेक्ट शॉट आएगा। और आपको मैं लाइट एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि आप लोग किस टाइप से मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं तो आप लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कैमरा नहीं होता है और कुछ सेटअप्स नहीं होते तो लोग फ़ोन का ही यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। मुझे नहीं पता है कितनी लंबी होने वाली वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से फोटोग्राफी आइडियाज़ के बारे में। तो पहला कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि इस वीडियो में मैं पेपर का यूज़ करने वाला हूँ, एक बॉटल का यूज़ करने वाला हूँ और थ्रेड का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ये तीन कॉन्सेप्ट किस टाइप के होते हैं और कितने यूनिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक पेपर को लेकर है। पेपर पर हमने कुछ स्ट्रिप्स कट करी है उसमें, और हम लोग उसके बैक साइड से फ्लैश लाइट डालने वाले हैं और कुछ रिफ्लेक्शन क्रिएट करने वाले हैं इसी बैकग्राउंड पर। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के फोटोज आते हैं और कितने अलग लगते हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट शूट कितना अलग था और कितना यूनिक फोटोज आए हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं हमारे सेकंड शूट की तरफ, और सेकंड शूट में मैं थ्रेड का यूज़ करने वाला हूँ। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ थ्रेड का किस तरीके से यूज़ करने वाला हूँ, कितने अमेजिंग फोटोज उससे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल सामने लगाया है, और इस थ्रेड का हम कुछ इस तरह यूज़ करने वाले हैं कि मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो सेल्फी मोड ऑन करा है फोटो का, क्योंकि फोटोज लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, तो इस टाइप से आप लोग मतलब पूरे मोबाइल को ले सकते हैं, मतलब चारों साइड से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ पर थ्रेड लगाए हैं। सो अब हम लोग शूट स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं किस टाइप का शूट होता है। देखा हमारा सेकंड शूट भी डन हो चुका है, कितने यूनिक फोटोज आए। अगर आपको ये भी पसंद आया हो तो जाकर कमेंट में ड्रॉप करें आपके कॉम्प्लीमेंट्स, और अगर आपकी वीडियो आपके अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। तो चलते हैं अब हमारे थर्ड शूट की तरफ। जो थर्ड शूट है वो हमारा होने वाला है छत पर, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे छत पर और वहीं से शूट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हम लोग छत पर आ चुके हैं, और अब छत पर आने के बाद हम लोग हमारा शूट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, और अभी समथिंग 6 बज रहा है, बहुत जल रहा है वैसे तो, बट सन थोड़ा नीचे है तो हम लोग प्रॉपर शूट कर पा रहे हैं। सो अब हम लोग शूट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस शूट में मैं फिर यही यूज़ करने वाला हूँ बॉटल को, तो इससे चलिए देखते हैं किस टाइप के क्रिएटिव फोटोज आते हैं। सो लेट्स गो। आपने देखा हमारे फोटो आइडियाज सारे डन हो चुके हैं। सो अब हम चलते हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैमरा सेटिंग्स की तरफ। सो उसके सॉल्यूशंस मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सीधे मेरी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस हम हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, कैमरा हमने ओपन करा है। सो कैमरे में मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं रोज ले रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फोटो इतना फोकस नहीं है, लेकिन मैं इस पर फोकस करके इसको लॉक करता हूँ। तो फोकस लॉक करने के लिए 2-3 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, जिससे फोकस लॉक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं कैमरा मूव भी करता हूँ, लाइक देख लिए अब मैं पूरा मूव कर रहा हूँ, जिस पर मैंने फोकस करा उस ऑब्जेक्ट को लेकर बाकी सब चीज़ें ब्लर हो रही है, बट जहाँ फोकस लॉक्ड है वो ब्लर नहीं हो रहा है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फोकस लॉक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि लाइट ज़्यादा हो, तो जैसे कि आप देख रहे हैं डिम लाइट हो आपके पास, अगर आप ज़्यादा लाइट चाहते हैं, तो जैसे मैंने सन को अप करा है उस वजह से
आप कलर्स देख सकते हैं, जो मेरा फोकस चीज़ थी वो मतलब फोकस ऑब्जेक्ट जो भी था कितना ब्राइट हो चुका है और कितने परफेक्ट कलर आ रहे हैं। अब आप अगर हाई रिजोल्यूशन में चाहते हैं इमेज तो आप फोकस लॉक करके ही क्लिक करें, फोटो अच्छा आएगा। अब हम लोग जैसे सन लाइट में शूट करते हैं तो हम इस सन को नीचे करेंगे तो आपका मतलब जो परफेक्ट लाइट है वो आएगी, क्योंकि सन की लाइट बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होती है, सो अपने को बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाती है। सो अपन परफेक्ट क्लिक करने के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर सकते हैं सन को नीचे करके। तो आप देख सकते हैं सन को नीचे करूँगा मैं तो कितनी परफेक्ट लाइट आ रही है। सो अब बस यही था आज का टिप। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी फोटोग्राफी मोबाइल आइडियाज़ पसंद आए हो और साथ में अगर मेरे कैमरे की टिप्स अगर आपकी यूज़फुल रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। और इसी टाइप की अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैंने बायो में दिया है, तो वहाँ पर जाएं और मेरे फॉलो करें और वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, आपको कुछ और यूनिक चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।